कितनों को बता उसके आए, प्रभु बोस है, पता है ना प्रभु बोस हम क्यों लेते हैं, बोलो क्यों लेते हैं, क्यों खाते हैं और उसके ब्लड क्यों, क्यों, क्योंकि उसने कहा है, बोलो क्या है, उसने कहा है, उसने कहा है, बोलो क्या है, उसने कहा है कि मैं संसार के पाप के लिए अपना शरीर हाँ और अपना लहू देता हूं, बोलो क्या है, उसने कहा है कि मेरी यादगिरी में ये तुम लिखा, उसने रोटी तोड़ी चेलों को दी और बिहारी में एक कटोरा एक प्याला दिया, उसने कहा ये मेरी नेम के वाचा का लहू का प्याला है और मेरी यादगिरी में तुम किया करना, जब तक मैं आऊंगा ना दोबारा तुम मेरी यादगिरी में किया करना। कितनों का समझ आ रही है, और जितने लोग यीशु के थे के सहभागी होते हैं वो स्वर्ग के सहभागी होते हैं, कुछ लोग मैसेज मिलने के बाद भी वो उसके देह के सहभागी नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉर्मल लगता है, इसलिए उस दिन वो कहेगा मैं तुझे जानता क्योंकि तूने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया, बोलो क्या है, तूने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा, क्योंकि तूने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या नहीं किया। अब उसके देह उसकी रोटी के सहभागी नहीं हो रहे उसके लहू के, तो स्वर्ग के कैसे सहभागी हो जाएंगे, जिनके माता पिता हैं, जिनके भाई बहन है, अगर वो आती नहीं है प्रभु भोज में तो उन्हें चिताओ, अरे क्या फायदा इस दुनिया को कमाने का। इसलिए उसने कहा अगर तू सारे जगत को कमाए और अपने प्राण को गवाए तो क्या फायदा, अगर सारे जगत को कमाए अगर अपने प्राण को गवाए तो कोई फायदा है, कोई बोलो कोई फायदा है, इसलिए जिनके नहीं आते उनको बोलो क्यों प्रभु बोस ले, नहीं तो वो इनकार करेगा। इसलिए क्यों लिखा है, क्यों लिखा है कि उसने कहा हे मेरे पुत्र मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूल और मेरी किसी भी बात को हल्के में ना जान, क्या ना जान मेरी किसी भी बात को, कुछ लोग हल्के में लेते हैं, जितने लोग हल्के में लेते हैं ना उस दिन कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें, कितने लोगों को समझ आ रही है, ये छोटी बात नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूं, जब समय आएगा ना वो बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं क्योंकि तूने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या नहीं किया। इसलिए आज से जितने भी आपकी फैमिली में है उनको बोलो उसके थे और उसके लहू के बाकीदार हो, हाँ उसकी सहभागिता में सांझी हो, अब स्वर्ग के सांझी होना चाहते हो तो फिर उसकी देह उसकी रोटी में साझेदार बनो, जो उसने कहा मेरे आने तक मेरी यादगिरी में ये किया करना। तैयार हो, हम एक सॉन्ग गाएंगे, अपने आपको प्रभु बोस दिया जाएगा, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं वो इस बोझ को अपने पास रखें जब मैं प्रार्थना करूंगा, जो ऑनलाइन है अगर नहीं पता तो वो कुछ भी लेकर रख सकते हैं, कुछ भी हल्का मीठा पानी करके कुछ भी सिंपल कोई ब्रेड कुछ भी रोटी का टुकड़ा लेकर वो रख सकते हैं जो ऑनलाइन है, जो अभी आपने सुना अगर उस स्थिति से आज विश्वास से उसके लहू के भागीदार हो गए तो मेरा विश्वास है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर निश्चय आपकी शुद्धि लेगा, मैंने कहा वो शुद्धि लेगा, आपके पास सबके पास ये प्रभु भोज आएगा, जब तक मैं प्रार्थना करूं किसी ने इसको क्या नहीं करना, ठीक है, तो हम इस सॉन्ग के द्वारा सबको प्रभु भोज दो, सबको दो ना पुली तू सली पुल्ली तू दर्द ना पुल्ली तू शिपा ना पुल्ली तू दया
Only
बस वाले चितड़े शिलड़ वांगुले दिसी सोच जातो कोड़ियों दे बदने ते पेंदिसी बस वाले हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और सर की परमेश्वर अपना ध्यान रखना। याद करो उसकी क्रूस की मृत्यु को याद करो, जिसने कोई पाप नहीं किया और हमारे गुनाह और हमारे पाप के लिए उसको इतना दुख सहना पड़ा। उसने कोई पाप नहीं किया, मगर हमें जीवन, हमें खुशी मिले, उसने इतना दुख सहा। इसलिए उसने कहा, मैं अपना शरीर, अपना लहू इस संसार के लिए देता हूं। लिखा, रोटी ली, थोड़ी, उसने कहा, इस रीति से मैं अपना बदन दुनिया के लिए देता हूं, अपना लहू देता हूं। याद करो, उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करो। हम रोज जगत के लिए इतना दुख उठाकर अपने जीवन का बलिदान ना देता तो आज ये खुशी, आज ये जीवन, ये जो आशा हमें जो जीवन मिलता ना, आज जो उसके नाम की आप गवाहियां दे रहे हो, हम दे ना पाते। बाज बाज रहती, वो कभी भी बच्चे छनने वाली औरत ना बनती अगर यीशु अपना लहू ना देता। बीमार बीमार रहते, कोड़ी कोड़ी रहता, अंधा अंधा रहता, लंगड़ा लंगड़ा रहता, अगर वो अपना शरीर ना तुड़वाता, अगर वो अपना लहू ना देता। गूंगा गूंगा रहता और बोला बोला रहता, दुष्टात्मा का जकड़ा कभी भी आजाद ना होता। उस काली दुनिया पाप में जो व्यभिचार की में पड़े हुए लोग हैं, वो कभी भी वो मन फिराकर अगर यीशु मसीह अपना जीवन, अपना शरीर, अपना लहू ना संसार के लिए देता तो व्यभिचारी व्यभिचारी रहता। पापी इंसान हमेशा पापी रहता, वो कभी ना धर्मी बनता। लिखा, उस धर्मी पर ये ताड़ना हमारे करके पड़ी, उस धर्मी पर ये ताड़ना हमारे कारण पड़ी, उसे कोड़ों की मार हमारे कारण सहनी पड़ी, ताकि हमें जीवन मिले, हमें शांति मिले, हमें खुशी मिले, हमें इस संसार की सब बरकतें, चाहे वो पृथ्वी की है, चाहे वो स्वर्ग की, वो थे। इस बोझ को अपने माथे से लगाओ, इस बोझ को अपने माथे से लगाओ और
धन्यवाद करो जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं। मैंने कहा इस बोझ को अपने माथे से लगाओ और याद करो उसकी क्रूस की मृत्यु को। मैंने कहा याद करो और अपने आप को कहो कि परमेश्वर में से योग नहीं था, मैं पापी इंसान था, एक दिन तूने मुझे पाप से मुक्त किया। मैं इस योग नहीं था खुदा कि मैं तेरी स्थिति और तेरे लहू का मैं भागीदार हो सकती। ये तेरा अनुग्रह है, तेरा फसल है कि तूने मुझे इस काली दुनिया से अंधकोर के से मुझे तूने अपने पास बुलाया है, तूने मुझे बुलाया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। मैं इस बोझ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने लोग खाएं और खुदा तेरे लहू को पिए, खुदा उनमें जीवन आए, जीवन की खुशियां आए, उनके जीवन में हर तरह की खुशियां, वो तेरी शांति, वो तेरी आशीष, वो बुद्धि, वो समझ, वो हर चीज आज खुदा इस बोझ में आई। खास करके आज ये बोझ खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है कि मेरे लोगों को बोल, जिन्हें मेरी बातों को समझने में रुकावट है, वो शांति से आज खाएं पिए, क्योंकि मैंने उनके पाप के लिए दे, मैं आज से उन्हें बुद्धि भी दूंगा और समझ भी दूंगा। धन्यवाद करो और विश्वास करो, परमेश्वर तूने मुझे सहयोग बनाया, यीशु के नाम से आमीन।
हालेलुया आमेन आमेन।